अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिजिटल रिव्यू में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप परेशान हैं कि मोबाइल चेंज करते हुए एंड्रॉयड यूज़र ख़ास तौर पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब शिफ्ट होते हैं या मोबाइल नया परचेज़ करने जाते हैं तो डाटा लॉस का ख़तरा रहता है? पुराना डाटा, फाइल, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, ऑडियो वीडियो, कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आपकी परेशानी का हल बिल्कुल मौजूद है। करना आपने ये है, जब भी मोबाइल शिफ्ट करना हो, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये है जी ईजी शेयर एप्लीकेशन। ये दोनों मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, जो आप ओल्ड फ़ोन है या न्यू फ़ोन, उस पे फ़ोन कलोन के ऑप्शन पे जाएं। यहाँ ओल्ड और न्यू फ़ोन का ऑप्शन नज़र आएगा। इंपोर्ट डाटा करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए दोनों में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, दोनों को अटैच कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा ओल्ड फ़ोन है, सेटिंग में इसकी करना है। अगर ये मेरा न्यू फ़ोन है तो इस तरह से एंड्रॉयड या आईफोन जो भी है, तो इस तरीक़ेकार से आप अपना डाटा शिफ्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो है ईजी शेयर का, जो कि वीवो के मोबाइल में वैसे होता है, बाकी किसी भी सेट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसी हवाले से, उसका नाम है क्लोन फ़ोन। ये आपके सामने चल रही है, इसमें वही फंक्शन है ओल्ड फ़ोन और न्यू वाला, दोनों डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए। ये वैसे एक्चुअल में मौजूद होती है कलर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब रियलमी, ओप्पो और वन प्लस के मोबाइल्स में। तीसरी क्लोनिंग जो ऐप है वो है एमआई की तरफ से, एमआई शेयर, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों शेयर करने वाली जो डाटा शेयरिंग एप्लीकेशन है, इनके यूज़ से आपका तमाम डाटा, इंक्लूडिंग मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाटएवर जो भी है, सिवाय वो एप्लीकेशन जिनको कोड देना पड़ता है लाइक बैंकिंग, जैस कैश वगैरह, उसके अलावा तमाम एप्लीकेशन एज सच जो यहाँ वर्क कर रही थी, दूसरे मोबाइल में भी वैसे वर्किंग करना शुरू कर देंगी। इस तरह आपको दोबारा डाउनलोडिंग करने के लिए एप्लीकेशन या अपना आईडी वीडियो का डाटा, मैसेज, कोई भी चीज़, डाटा के लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, होप सो आपको पसंद आएगी होगी। तो अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।